हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम और लॉट रिले डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये और लॉट रिले है, ये इसके डिटेल्स है। 5.5 एम्पेयर से 8 एम्पेयर तक है और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है 5.5 एम्पेयर से 8 एम्पेयर तक एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका एडजस्टेबल स्क्रू है, इधर से आप सेट कर सकते हैं। इसके बारे में बताएगा, पहले ये देखें, ये कॉन्टेक्टर के साथ लगाया जाता है, थ्री फेस के लिए लगाया जाता है। ये थ्री फेस का एन है, ये इधर से आउट है और ये रिले इसमें लगाया जाता है, इसी तरह ये लगाया जाता है और इधर से ये थ्री फेस आउट होते हैं मोटर के लिए, कंप्रेसर के लिए। और उसके अलावा इसमें ये पॉइंट है, कॉन्टेक्टर में भी एन और एन सी पॉइंट है, A1 A2 पावर सप्लाई। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। एन ओ और एन सी का कॉन्टेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल में पूरा एन ओ और एन सी का कॉन्सेप्ट है। ओके, ये देखेंगे, इसमें एनओ और एनसी पॉइंट है, 95 96, एनसी है आपस में, 98 97 एनओ है आपस में। मीटर के साथ दिखाएगा, ओके, एनसी हमारा नॉर्मली क्लोज है, ठीक है। इसमें जब ऑल लोड नॉर्मल रहता है, इसमें कॉन्टेक्ट दिखाना चाहिए और एनओ में नहीं दिखाना चाहिए। अभी ये नॉर्मल है, ट्रिप नहीं है। ट्रिप होने के ऊपर एनसी का कॉन्टेक्ट ख़त्म हो जाएगा और एनओ का कॉन्टेक्ट आपस में मिल जाएगा। एनसी हम कंट्रोल के लिए यूज़ करते, 95 से एन करते, आउट करके कॉन्टेक्टर के ऊपर लगा दिया जाता है A1 में, और जो न्यूट्रल है A2 में डायरेक्ट दिया जाता है। मैं कनेक्शन करके भी आप लोगों को दिखाएगा। और जो एनओ है, 95 से एक लूप लेके 98 को दिया जाता है। ट्रिप होने के बाद जो पावर है वो हमारा 97 में मिलेगा। इसके ऊपर हम लोग ट्रिप इंडिकेटर लगा सकते हैं, जो येलो इंडिकेटर लगा होता है ट्रिप के लिए, वो इधर लगाया जाता है। अभी मैं इसका कनेक्शन करके आप लोगों को टेस्ट करके दिखाएगा। पहले इसका देखें, ये इसका पुश बटन है, ठीक है, स्टॉप, इससे स्टॉप कर सकते हैं, पुश करोगे तो स्टॉप हो जाएगा। और ये इसका रिसेट है, ये इसका टेस्ट पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं, ये टेस्ट पॉइंट है, ये आपको तीर दिया हुआ है, इधर आएगा, ठीक है, इधर करेगा तो टेस्ट पे आ जाएगा, एनसी में कॉन्टेक्ट नहीं दिखाएगा। मैं टेस्ट करके दिखाएगा, देखे अभी ये टेस्ट पे है, अभी एनसी में कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, जो कि ट्रिप है, आप लोग देख सकते हैं, एनसी में कॉन्टेक्ट नहीं है। हमारा एनसी में कॉन्टेक्ट नहीं है क्योंकि हमने अभी टेस्ट पे डाला हुआ है। इसी तरह टेस्ट कर सकते हैं, और लोड रिले सही है ख़राब है। तो ये रिसेट है, इसको जब प्रेस करेंगे तो ये रिसेट हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अभी ये नॉर्मल हो गया, अभी एनसी में कॉन्टेक्ट दिखाना चाहिए, एनसी में कॉन्टेक्ट है। अभी मैं इसका कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाएगा कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। तो व्यूअर्स, कनेक्शन कैसे करते हैं ये आप लोग देख सकते हैं, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल डायरेक्ट दिए हुए है A2 में कॉन्टेक्टर का, ओके, और जो फेज है वो हमने एन किया है 95 में, जो कि एन सी है 96 के साथ, और 96 से आउट करके A1 में फेज दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे कनेक्शन करते हैं। और 95 से लूप लेके 98 को दिया है, जो कि 97 के साथ एनओ है, ये अलग से, ये अलग से कॉन्टेक्ट। और दूसरा ये इंडिकेटर है, ट्रिप इंडिकेटर, 97 पे हमारा ट्रिप इंडिकेटर लगा हुआ है और इंडिकेटर को न्यूट्रल डायरेक्ट दिया हुआ है A2 से,
कैसे काम करता है मैं अभी आप लोगों को दिखाएगा। ऑन करेंगे, अभी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन है, ठीक है। ये पुश बटन का फंक्शन है, ठीक है, पुश करोगे तो ऑफ हो जाता है, नंबर एक। और रिसेट का बटन कैसे काम करता है, अभी नॉर्मल है, ठीक है। अभी हम टेस्ट पे डालेंगे, टेस्ट पे डाल के ट्रिप इंडिकेटर जलना चाहिए, देख सकते हैं हमारा ट्रिप इंडिकेटर जल रहा है, जो कि हमारा जो एनसी का कॉन्टेक्ट है वो ख़त्म हो गया और एनओ का एक्टिव हो गया। ट्रिप होने के बाद आपका इंडिकेटर इसी तरह जलता है। तो रिसेट कैसे करते हैं, ये रिसेट बटन है, दोबारा रिसेट होके नॉर्मल हो गया। और ये इसके एम्पेयर है, सेट कर सकते हैं, ये 5.5 से लेके 8 एम्पेयर तक है, किधर भी आपका यूनिट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले ये हर जगह लगा होता है, कोल्ड रूम में लगा होता है, कंट्रोल पैनल जितने भी आते हैं उसमें ये चीज़ लगा होता है, और जो कॉन्टेक्टर है वो तो स्प्लिट यूनिट में लगा ही होता है। तो कॉन्टेक्टर के ऊपर मैं वीडियो बनाया है, वो देखे पहले, उसके बाद ओवरलोड की समझ आएगी। एनओ और एनसी के कॉन्टेक्ट समझ आए तो कंट्रोल का काम बहुत ईजी है। तो इसी तरह इसकी कुछ कनेक्शन करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।